अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, चंद हफ़्ते कबल तहरीक लबैक पाकिस्तान की मकामी क़यादत के अराकीन ने झेलम में एक रैली निकाली। उस मौका की एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, जिसमें TLP के मकामी रहनुमा को एक रैली के सामने ईद के मौका पर कुर्बानी के हवाले से ये कहते सुना जा सकता है कि अगर कोई अहमदी एक जानवर की भी कुर्बानी करने की कोशिश करेगा तो हम जेलों में रहने वाले अहमदियों को लटका देंगे। नाज़रीन, ये खुल्लम खुल्ला कानून हाथ में लेकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर इतनी जुर्रत इन लोगों में कैसे पैदा हो जाती है? कोई ना कोई रियासती ताकत तो पीछे होती है, और फिर ऐसे शख्स को गिरफ्तार ना करना भी इस बात को साबित कर देता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस रैली में शामिल बाज़ लोगों को तलवारें भी लहराते हुए देखा गया। इस हवाले से नया दौर खबर देते हुए लिखता है कि जेहलम में अहमदिया कम्युनिटी के अरकान ने बताया कि TLP के मुकामी रहनुमा आसम अशफाक रिजवी ने ऐलान किया था कि तहरीक लबैक 10 मई 2024 को फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती और इसराइल के मुजालिम के ख़िलाफ़ एक रैली निकालेगी। मुकर्रर वक्त पर लोगों की बड़ी तादाद जमा होगी, लेकिन अहमदिया कम्युनिटी के अराकीन के मुताबिक रैली के लिए बताए गए रास्ता पर जाने की बजाय आसम अशफाक रिजवी ने मुबैना तौर पर रूट तब्दील किया और जेहलम में वाक़या अहमदिया कम्युनिटी की एक इबादत का बैतुल ज़िक्र के बाहर रैली को रोक दिया और धमकियाँ देना शुरू कर दी। नाज़रीन, अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये हकीकत में हुआ क्या है। सारी उम्र जिहाद के हवाले से जमात अहमदिया पर इल्ज़ाम लगाने वाले, आज जिहाद का वक्त आया है तो ये जिहाद पर जाना तो दूर की बात, फ़लस्तीन के हक में रैली तक नहीं निकाल सकते, और रुख अहमदियों की जानब मोड़ कर बुजदिलों ने तलवारें लहराकर अहमदियों को धमकियाँ देनी शुरू कर दी। ये इन यहूदी एजेंटों की हकीकत है, खोल खोल कर अल्लाह ताला इनके चेहरे दिखा रहा है। जूँ जूँ इन पर फ़लस्तीन के हवाले से प्रेशर बढ़ेगा तो ये लोग इन ज़ालमों का रुख मज़लूम अकलीतों की जानब मोड़कर असल बात से नज़रें हटाने की कोशिश करेंगे, और पिछले 50-60 साल से यही हो रहा है। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके शर से तमाम अहमदियों और बाकी अकलियतों को महफूज रखे और इनका शर इन्हीं पर उल्टाए। आमीन।